आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। शुरू करते हैं 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी की भाजपा नेताओं को नसीहत, कहा मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रहेंगे नड्डा, जून 2024 तक बढ़ा कार्यकाल, मोदी बोले चुनाव में 400 दिन बाकी। केरल के मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, दूसरे धर्मों के कलाकार परिसर के बाहर बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑडिटोरियम। 23 और घरों में दरारें लेकिन पानी का रिसाव कम, जोशीमठ में 247 परिवार हटाए, बद्रीनाथ धाम का खजाना भी हो सकता है शिफ्ट। बीएसएफ को पंजाब के खुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव से मिले चीनी हथियार, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए थे। देवरिया में पुरानी जमीनी रंजिश में गोली चली, एक घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फरुखाबाद में डीएम संजय कुमार सिंह के आदेश भी हुए बेअसर, अलाव की लकड़ी में भी जमकर खेल रही नगरपालिका परिषद। हमीरपुर में एसपी ने 4 इंस्पेक्टर, 8 दरोगाओं का किया स्थानांतरण, श्री प्रकाश यादव प्रभारी चुनाव स्थल को बनाया सी सोलर थाना इंचार्ज। कानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, लाठी डंडों से पीटते हुए दबंगों का वीडियो हुआ वायरल। कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटा थनबर्न को जर्मन पुलिस ने हिरासत में लिया, क्लाइमेट एक्टिविस्ट कोयला खदान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। पाकिस्तान साउथ एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 3 हफ्ते का खर्च बचा। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमलों से भारतीय समुदाय चिंतित, विष्णु मंदिर 5 दिन में दूसरी बार बना निशाना। ब्रिटिश पुलिस अफसर ने 24 महिलाओं से रेप किया, 12 को स्लेव बनाया, उन्हें बिना कपड़े पहनाए घर साफ कराता था। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन, 118 की उम्र में फ्रांसीसी नन ने ली अंतिम सांस। आईसीसी की गलती से भारत 2.5 घंटे नंबर 1 रहा टेस्ट रैंकिंग में, दोपहर 1:30 बजे टीम इंडिया टॉप पर, शाम 4 बजे दूसरे नंबर पर। मोहम्मद सिराज ने डेवलप किया एंडरसन जैसा ब्रह्मास्त्र, बल्लेबाज भाप नहीं पाते कि गेंद बाहर जाएगी या अंदर आएगी। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर, पीठ में चोट लगी, एनसीए से करेंगे रिहैब 19, सरफराज खान ने फिर लगाया शतक, रणजीत सिंह की तैयारी सेंचुरी। सरफराज खान ने फिर लगाया शतक, भारतीय टीम में नहीं मिला था मौका। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौरे में, पिछले साल कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण नहीं उतर सके थे। पठान के साथ दिखाया जाएगा टीजेएमएम का ट्रेलर, पहली बार बड़े पर्दे पर रोमांस करेंगे श्रद्धा रणवीर। उर्वशी रतौला ने बेशरम रंग गाने पर शेयर किया वीडियो, फैंस बोले अब किस क्रिकेटर के पीछे जाने वाली हो। योगा क्लास के बाहर दिखी मलाइका अरोड़ा, फिटनेस देख यूजर्स ने कहा ये 49 साल की लगती ही नहीं। ऐश्वर्या राय को सरकारी नोटिस, टैक्स ना भरने की वजह से मुश्किलों में फंसे।
शुरू हुई केएल राहुल आथिया की शादी की तैयारियां, बिल्डिंग के बाहर हो रही सजावट, 23 जनवरी को लेंगे सात फेरे। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।